ये है एक ऐसा चीता येलो कलर का, जिसके ऊपर ना अलग अलग टाइप के ना इन्होंने आरएनडिया की हुई है। काफी ब्यूटीफुल डिजाइन है ये, कंपनी सीरियसली दिल छू रही है मेरे जैसे राइडर का, क्योंकि मुझे राइड के साथ में इनोवेशन ज्यादा पसंद है। बहुत ही खूबसूरत बाइक है ये, जो कि ना हमारा डायरेक्टली दिल छू रही है। इसको बोलते हैं LFS 700, 680 सीसी की मोटरसाइकिल है, और सारी की सारी मोटरसाइकिल ना ये इनलाइन 4 है। अब सबसे पहले इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं सबसे फ्रंट से। तो यार इसमें अंदर ये एक लाइट लगा रखी है जो कि एक LED लाइट है, और सिर्फ अगर इसकी LED लाइट को ऑन करके देखो तो कुछ इस टाइप की इसकी लाइट है। और यहाँ पे इसके आ जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स, अगर साइड में देखो और ये वाले साइड के अंदर भी टर्न इंडिकेटर्स हैं। ये आ गए अपसाइड डाउन शॉक्स। टायर का साइज ठीक है, लेकिन जो अभी हमने आपको क्रूजर दिखाई इससे पहले उससे ये थोड़ा सा कम है, बट अच्छा लग रहा है नो डाउट। अब अगर इसको इस तरफ से एक्सप्लोर किया जाए ना, तो बहुत बड़ा सा एक रेडिएटर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल है। ये जो डिजाइनिंग है, बॉक्सी शेप जो बनाई है विद एक फ्यूचर माइंडसेट के साथ में, ये देख रहे हैं ये वाले पोर्शन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स डिजाइनिंग है। आउट ऑफ द बॉक्स में क्यों कह रहा हूँ, वो इसके रेयर देखने से पता चलेगा। इनफैक्ट कि जो इंजन को घेर रखा है, जो इंजन की जो केसिंग है, वो भी काफ़ी सॉलिड है। और यहाँ पे ना मेटल पार्ट्स यूज़ नहीं कर रहे, क्यों? वेट रिड्यूस करने के लिए। तो पावर टू वेट रेशो हमेशा बनाना पड़ता है, उसी से ही एक पीक टॉर्क, एक टॉर्क का एक रेशो क्रिएट होता है। अगर टू पावर टू वेट रेशो अगर प्रॉपर होगा, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है BD 700 3, और स्विंग आर्म भी देख लो तो आप उसी मटेरियल से स्विंग आर्म है। ये मेटल है या फिर क्या है, या फिर इसके ऊपर कोई ऐसा ट्रीटमेंट है। अब ये जो इसका टैंक आ रहा था ना, ये टैंक का शेप आउटस्टैंडिंग है। इसके ऊपर ये जेब्रा क्रॉसिंग टाइप कुछ बना हुआ है, मतलब जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा लगा। कैमोफ्लाज इसका डिज़ाइन है, और अगर ऊपर ये कैमरा तो अभी मैं दिखा देता हूँ। ये इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा साइज का जो इग्निशन सीक्वेंस है, खोलने के बाद ऐसा लग जाएगा। सारी बाइकों को ऑलमोस्ट सेम ही है। जो स्विचेस हैं ये भी नॉर्मल ही है, सारे के सारे सेम स्विचेस ही हैं। आपको दो तीन मोड मिल जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पे सेट का मिल जाता है, यहाँ पे आपका डिपर आ गया, यहाँ पे आपकी हाई लो बीम आ गई, यहाँ पे आगे डिपर आ गया, और ये टर्न इंडिकेटर हॉर्न आ गया। फिर इसमें एडजस्टेबल लीवर्स वगैरह तो हैं ही। ये सारे के सारे जो कंट्रोल्स हैं, ये सारे के सारे सेम कंट्रोल्स हैं। इनफैक्ट कि ये जो सीट है इसकी काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प सीट है। अगर एक बार उस वाले एंगल से दिखाया जाए तो शॉर्ट क्रिस्प सीट है। ये एक स्ट्रीट मोटरसाइकिल है और काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ से देखने में। अब मैं इसकी सबसे एक खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ, जो कि है इसकी टेल। एंड ये जो लुक है, ये दिल छू रहा है। अब ये बता दो कि ये क्या है, मैं एक बार इसका इग्निशन करता हूँ। और ये है पीछे से बाइक, जो है ना पीछे से बॉक्सी है, लेकिन दो लाइनें हैं। जैसे कि हमने देखा है कि स्कूटर्स के अंदर भी ये वाली जो डिज़ाइन फिलॉसफी है ये आ रही है। यहाँ पे देखिए जो एग्जॉस्ट, जो टेल पाइप है, वो कैसे आ रहे हैं। और एक और चीज़ है, एक फन फैक्ट देखो, पीछे जो अंदर, अगर अंदर कैमरा देख सकते हैं तो वहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप का यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये जो मफलर है ना, ये काफ़ी सेक्सी है यार, मज़ा आ रहा है। फिर ये कैडिलैक जैसे टर्न इंडिकेटर्स आ गए, पीछे से लुक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है ना। ऐसी बाइक बहुत ही रेयरली मिलती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट और थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लोगों के डिज़ाइंस हैं, जो कि ये कंपनी ऐसा काम कर रही है अच्छी रेट में। जो इसका रेयर टायर है वो एक नॉर्मल विथ का ही है, क्योंकि इसकी जो पावर फिगर्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी हम इसका सिर्फ एक डिज़ाइन एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको हम इसकी टेक्निकल डिटेल देंगे। लेकिन ये जो इसका अंडर बेली एग्जॉस्ट है, ये यार क्या तो लग रहा है ना, मतलब क्लास है। ये जो इंजन आप इस वक्त देख रहे हो ना, ये 4 सिलेंडर 16 वॉल्व से लेस है, तो मतलब इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है। 680 CC का बोलते हैं इसको, 75 BHP दे देता है ये 11,000 RPM पर, और 97 Nm टॉर्क निकाल देता है 8500 RPM पर। सही चीज़ है ना, डबल डिस्क से लेस है, डुअल चैनल ABS है इसके अंदर। फ्रंट टायर की अगर मैं बात करूँ तो 120/70/17 का है, और ड्राइव वेट मतलब ये 226 किलो की बाइक है यार। फ्यूल कैपेसिटी जो है ना इसके अंदर वो 16 लीटर है। तो ये जो टैंक है इसका, ये 16 लीटर का टैंक है। और बाइक की जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि अगर मेरे को कुछ ऐसा सा अपने गैराज में खड़ा करना है, ड्राॅइंग रूम में खड़ा करना है, तो जब ये खड़ी होगी कहीं पे बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है बेंडा का, जिसके अंदर हमने एक बहुत अच्छी सी एक ब्लैक कलर की बाइक दिखाई थी, जो कि एक पावर टूरर है, तो जरूर देखना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहो, बाय बाय, टेक केयर।